विश्वकालीन सिद्धि विनायक गणेश मंदिर गणेश धाम पर भारतवर्ष के कोने कोने से पधारे संपूर्ण विश्व में भगवान के आस्थावान भक्तों को गणेश जी महाराज के चरणारविंद का मैं प्रबंधक डॉक्टर चारू सिंह शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गणेश जी महाराज की कृपा से नव संवत्सर नया वर्ष तो हम प्रतिपदा गुरु पड़वा से मनाते हैं, लेकिन अंग्रेजी तारीख के अनुसार ये वर्ष बदल रहा है और इस वर्ष का 19 का आखिरी ग्रहण सूर्य ग्रहण के रूप में अमावस्या के दिन होगा। सूर्य ग्रहण जो है प्रातः 8:09 से शुभारंभ होगा और इसका उड़न जो होगा मोक्ष काल जो होगा 10:58 पर होगा। लगभग पर्व काल 2:49 का होगा। ग्रहण का वेद सूतक जिसे हिंदू धर्म में माना गया है, खासतौर से मंदिरों में मर्यादा का पालन किया जाता है। वेद की सूतक जो है 25 दिसंबर बुधवार शाम 8:00 लग जाएगी, यानी कि 8:00 के पूर्व ही मंदिर में संध्या आरती पूजन भोग प्रसाद होके पट द्वार मंगल हो जाएंगे, जो 26 दिसंबर दिन के ठीक 11:30 खुलेंगे। मंदिर को आच्छादित करके भोग प्रसाद पूजन अभिषेक चोला आदि करके ठीक 12:00 मंदिर दर्शन के लिए प्रारंभ होंगे। ऐसा सभी देवालयों में होगा। ग्रहण के दौरान सूर्य लगने के साथ ही मंदिर के पट द्वार मंगल हो जाएंगे और जब ग्रहण का उरण हो जाएगा और आच्छादित करने के बाद सिद्ध धाम है, सिद्धपुर सीहोर है, गणेश धाम है, यहाँ भारतवर्ष के कोने कोने से भक्तगण आते हैं। सभी भक्तों से आग्रह है कि वे 25 दिसंबर रात्रि 8:00 के बाद मंदिर ना पहुंचे। मंदिर का द्वार 8:00 मंगल हो जाएगा। लगभग सभी भारतवर्ष के देवालय सूतक लगने के साथ वेद की जो सूत लगेगी उसके साथ ही मंगल में हो जाना चाहिए, क्योंकि ये धर्म की मर्यादा है। ग्रहण के दौरान और सूर्य लगने के पूर्व ही मंदिर के पट द्वार आरती पूजन भोग प्रसाद करने से बंद हो जाएंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार का भोग प्रसाद घर में भी मंदिरों में न लगाएं, मूर्तियों को स्पर्श न करें और जो गर्भवती महिलाएं हैं वे गेरू लगाएं, घर से बाहर ना निकलें। गौ माता अगर गर्भ में हो तो उनको भी गेरू लगाएं और इस दौरान जो है बीमार दुखी बाल छोटे बच्चे बड़े बूढ़ों को छूट रहती है, लेकिन ग्रहण के दौरान ऐसा अवश्य करना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि ग्रहण दिन में हो रहा है, नहीं तो लोग रात्रि में ग्रहण में चंद्र ग्रहण में तो सो जाते हैं। ग्रहण का लाभ उठाना चाहिए। इस दौरान स्नान ध्यान करके कम्बल के ऊपर बैठ के भगवान का जप तप करना चाहिए, क्योंकि भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं इस समय आप जप तप करते हैं तो। और इस दौरान कोई भोजन प्रसाद या कहीं भी क्रिया नहीं करना चाहिए, ये सब भगवान की ओर से गुप्त हो गए और भगवान के इस नियम और धर्म का पालन करना चाहिए। सभी पंडा पुजारियों को संत पुजारियों को मठ मठाधीशों को इसका पालन करना चाहिए और शुभ काल में मंदिर पूर्णतः बंद रखना चाहिए जिससे कि पवित्रता बनी रहे, क्योंकि लोगों को तो मालूम रहता है, लोग आ जाते हैं प्रसाद लेके भोग लगाने लगते हैं और दुकानदार तो प्रसाद माल मिठाई बेचने में लगे रहते हैं। इस दौरान जब सूतक लग जाए तो उससे पूर्व ही घर में आटा हो जल हो उन सब में तुलसी दल डाब आदि डाल देना चाहिए और पूर्ण होने के बाद गंगा जल आदि सरयों में स्नान किया जाता है और महीने भर तक इसका वो रहता है। धनु राशि के लिए बेस्ट है और राशियों के लिए मध्य है, मीन राशि के लिए अनुकूल है। तो मैं तो कहती हूँ सभी को बेस्ट मध्य और जिनके लिए अनुकूल है उन सबको भगवान का ध्यान पूजन करना चाहिए। गणेश जी महाराज कृपा से नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तारीख बदल रही है, हम 20 में प्रवेश कर रहे हैं। आप सबको गणेश जी महाराज की चरणारविंद का 1 जनवरी जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं, 19 पूर्ण होकर 20 में प्रवेश कर रहे हैं, सबको बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। गणेश जी महाराज का शुभ आशीर्वाद संपूर्ण और ये ग्रहण और नया वर्ष आप सबको मंगलमय सुख शांति और समृद्धि वाला होगा। जय जय श्री गणेश जी महाराज।